स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मेमेरिकल्स ऑफ चैप्टर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो मेमेरिकल्स का हमने गिवन है उसमें जो है कंडीशन दी गई है कि नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड जो है वो डिकम्पोज हो रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो इसके लिए जो हमें इसकी एक्सप्रेशन लिखी हुई है, एक्सप्रेशन ड्राइव करनी है और इसके जनरेट भी बताना है। ठीक है, तो हमने इक्वेशन बना ली है इससे कि नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड जो डिकम्पोज हो रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। ठीक है, तो इक्वेशन जो है वो बैलेंस होनी चाहिए, हम स्टार्ट में इसको बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो हम यहाँ 2 लगा देंगे तो नाइट्रोजन 2 हो गया और 2 2 4 ऑक्सीजन 4 हो गया और ऑक्सीजन भी यहाँ पे 4 है, तो अब हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई है, हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे जो है हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में जो है केसी की एक्सप्रेशन ड्राइव की थी, तो उसी तरह से जो हम इसको भी ड्राइव करेंगे, उसका लिंक आपको मिल जाएगा इसमें। ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड जो है ये रिएक्टेंट इसके बाद हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन यहाँ से रिमूव करेंगे, तो यहाँ पे हम कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो कॉन्स्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, उसके बाद रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आ जाएगा और जो उसकी मोल्स हैं वो उसकी पावर में आ जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करेंगे, तो कॉन्स्टेंट में भी यूज़ करवाएंगे, के आर कॉन्स्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, अब जो है वी नो दैट द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन आर इक्वल एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो अब जो है हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे आर एफ की एंड आर आर की, जो हमने यहाँ से जो है फाइंड की है। हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है, जो हमने इनकी वैल्यू जो है वो पुट की है आर एफ की आर आर की इक्वेशन में, तो इस तरह से वैल्यू आती है। अब जो हम क्या करेंगे कि इसमें जो कॉन्स्टेंट्स हैं उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले लेंगे और जो वेरिएबल्स हैं उसको हम राइट हैंड साइड पे ले लेंगे, तो ये हमारी इक्वेशन जो इस तरह से बन जाएगी। हमने पुट किए हैं कॉन्स्टेंट्स लेफ्ट हैंड साइड पे और वेरिएबल्स राइट हैंड साइड पे, तो ये जो है 2 कॉन्स्टेंट्स हैं, इसकी जगह हम 1 कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस करवाएंगे यानी के एफ ओवर के आर जो है वो इक्वल होगा के सी। तो ये दोनों जो है वो के सी के इक्वल हैं, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट की हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन टेट्राऑक्साइड। ठीक है, तो यही हमें ड्राइव करना था, यानी इक्वेशन हमें दी गई थी उसके लिए हमें केसी की एक्सप्रेशन ड्राइव करनी थी, तो ये हमारी फाइनल एक्सप्रेशन है। ठीक है, और इसके साथ साथ हमें यूनिट भी जो है वो कहा है कि सॉल्व करें क्वेश्चन में, तो हम इसकी यूनिट भी यहाँ पे जो है वो साथ सॉल्व कर लेते हैं, मोल पर डी एम क्यू। ठीक है, इस पर स्क्वायर था तो यूनिट पर भी स्क्वायर आता है और यहाँ पर 1 टाइम था तो मोल पर डी एम क्यू 1 टाइम है। ठीक है, तो ये स्क्वायर जो है वो इसे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यूनिट जो है वो जस्ट मोल पर डी एम क्यू आ जाएगा। अब हम जो है वो न्यूमेरिकल 2 सॉल्व करेंगे, तो हम न्यूमेरिकल 2 सॉल्व कर रहे हैं। इसमें जो है हमें क्वेश्चन में क्वेश्चन मीनिंग गिवन है कि BCl5 BCl3 एंड Cl2 जो है वो इक्विलिब्रियम पे है, तो इसके लिए भी हमने जो है वो इक्वेशन बना ली है और इनकी कंसंट्रेशन जो है हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, BCl5 की 0.8 डेंसिटी पावर माइनस की मोल पर डी एम क्यू, BCl3 एंड Cl2 की दोनों की कंसंट्रेशन 1.2 इंटू डेंसिटी पावर माइनस की मोल पर डी एम क्यू। ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना है, इसके लिए हमें के सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करें। के सी की एक्सप्रेशन हमें पता है के सी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो हमारे जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट है इस एक्सप्रेशन में हम उनको पुट कर लेंगे। प्रोडक्ट है PCl में एक्सप्रेशन लिखी है अपनी इक्वेशन के लिए PCl3 एंड Cl2 एंड रिएक्टेंट में PCl5। अब जो हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, PCl3 की कंसंट्रेशन है 1.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मोल पर Dm3 एंड Cl2 की कंसंट्रेशन है 1.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3
मोल पर डीएम क्यू, और रिलेटिव में जो है पीसीएल 5 की कंसंट्रेशन है 0.8 इंटू 10 टू सी पावर माइनस 3 मोल पर डीएम क्यू। ठीक है, ये हमारे पास है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे और देन से डिवाइड करेंगे। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.44 × 10⁻⁶, और नीचे हमारे पास है 0.8 × 10⁻³। तो इस वैल्यू को हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 1.8 × 10⁻³। ठीक है, और ये हमें सॉल्व करना है साथ साथ। तो यहाँ पे मोल पर डीएम क्यूब जो है वो एक मोल पर डीएम क्यूब इससे कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 10 मोल पर डीएम क्यूब रह जाएगा। ठीक है, तो एसी की वैल्यू हमारे पास है 1.8 × 10⁻³ मोल पर डीएम क्यूब। अब जो है हम लाइकल 3 सॉल्व करेंगे, तो लाइकल 3 सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन में जो है हमें इक्वेशन गिवन है, ठीक है, जो है हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो कन्वर्ट हो रहा है हाइड्रोजन गैस में और आयोडीन में। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो है हमें चीज़ें गिवन है, डेटा हमने बना दिया उसका। इसमें क्वेश्चन है हमें केसी गिवन है, केसी की वैल्यू 1 × 10⁻⁴ और कंसंट्रेशन ऑफ एच आई, कंसंट्रेशन ऑफ एच टू एंड आई टू हमें गिवन है। इसमें हमें फाइंड क्या करना है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन हमें फाइंड करना है इसमें। तो लेट्स स्टार्ट, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम इसमें जो है हमें के सी गिवन है, हम क्यू सी के लिए ये जो रिएक्शन क्वेश्चन है उसके लिए हम एक्सप्रेशन लिखेंगे, उसके लिए वही एक्सप्रेशन होगी प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट जैसे हम के सी के लिए लिखते हैं। ठीक है, तो अब हम जो है क्यू सी के लिखेंगे प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट एच टू आई टू एच आई जो है हम इसमें जो है वैल्यूज पुट करेंगे। एच टू की कंसेंट्रेशन है और इंटू 10⁻⁵ मोल पर डीएम क्यूब एंड आई टू की कंसेंट्रेशन है 1 × 10⁻⁵ मोल पर डीएम क्यूब और एच आई की कंसेंट्रेशन है 2 × 10⁻⁵ मोल पर डीएम क्यूब। तो अब हम जो है पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसका जो है वो यहाँ स्क्वायर था तो स्क्वायर है यहाँ पे भी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और उसका स्क्वायर लेके दोनों को डिवाइड करेंगे। तो हम पहले जो है उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 × 10⁻⁵। तो हमने मल्टीप्लाई किया ऊपर हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 × 10⁻⁻¹, और नीचे जब इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 × 10⁻¹¹. ठीक है, तो हम इसको जो है डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.25। ठीक है, तो इसमें जो है क्यू सी का हमारे पास आंसर आ रहा है 0.25। अब हम देखेंगे के सी की वैल्यू क्या थी, के सी की वैल्यू हमारे पास 1 × 10⁻⁴ है। ये पावर की फॉर्म में लिखी है, हम इसको सिंपल जो है फॉर्म में लिखेंगे तो के सी की वैल्यू किस तरह से आ जाएगी। के सी की वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ पे इस फॉर्म में लिखी है, हम इसको जो है सिंपलीफाई करेंगे तो इस तरह आ जाएगी 0.001। ठीक है, यानी इस तरह लिखी लिखी 1 × 10⁻⁴। तो 1, 2, 3, 4 ये यहाँ राइट साइड पर 4 टाइम्स जा रहा है तो उसकी माइनस 4 है। तो अब हम इसको आसानी से कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू जो है बड़ी है और कौन सी वैल्यू छोटी है। ठीक है, तो यहाँ पे 0.25 है और यहाँ पे 0.00 है, तो QC की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन है KC से। ठीक है, तो ये हमने जो है कंडीशंस पढ़ी है, व्हेन QC इज ग्रेटर देन KC तो रिएक्शन क्या होगा, हमारा रिवर्स होगा। ठीक है, तो हमने जो है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन फाइंड कर लिया। तो स्टूडेंट्स आज का टॉपिक एंड हुआ, मजीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप बार बार देख सकें। थैंक्स, अल्लाह निगहबान।